हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं कि आप अमेजन एप्लीकेशन में रेफर एंड अर्न का जो ऑप्शन है कैसे ला सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि लगभग पिछले 3-4 महीने से अमेजन एप्लीकेशन में रेफर एंड अर्न का जो ऑप्शन है किसी को भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बतलाऊँगा कि आपको ये जो प्रॉब्लम है क्यों आ रही है और इसका जो सोल्यूशन क्या है, और साथ में आपको दो ऐसे ट्रिक बतलाऊंगा जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपको भी अमेजन में रेफर अर्न का जो ऑप्शन है मिल जाएगा और आप यहां पर रेफ़र करके अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन ओपन करते हो और यहाँ पर आपको अमेजन पे का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, जो पहले के टाइम में इन्वाइट एंड अर्न का जो ऑप्शन था आपको यहाँ पर ही देखने के लिए मिलता था, बट दोस्तों अभी के टाइम में यहाँ पर ये जो ऑप्शन है गायब कर दिया गया है, नहीं देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पर सेंड मनी के ऑप्शन पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं फिर भी हमें यहाँ पर इनवाइट एंड अर्न का जो ऑप्शन है देखने के लिए नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन कैसे मिलेगा और आप यहाँ पर रेफ़र करके पैसे कैसे कमाओगे। तो दोस्तों, जो पहली ट्रिक है आपको क्या करना है, अगर आपके पास अगर पुराना वाला लिंक होगा अमेजन एप्लीकेशन का, बाय द वे आपने कभी ना कभी अपना अमेजन लिंक किसी भी बंदे को या फिर अपने दोस्त को रेफ़र तो किया ही होगा, व्हाट्सअप पर, इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर, किसी भी सोशल मीडिया पर आपने शेयर ज़रूर किया होगा। अगर आपका लिंक अगर आपके सोशल मीडिया पर अवेलेबल है तो आप उस लिंक को वहाँ से कॉपी कर सकते हो और उसे किसी भी बंदे को सेंड कर सकते हो, अपने दोस्त में सेंड करके रेफ़र कर सकते हो और रेफ़र करके पैसे अर्न कर सकते हो। अगर आपको अमेजन की पुरानी लिंक अगर आपको मिल जाती है रेफ़र करने के लिए तो अच्छी बात है दोस्तों, अन्यथा आपको कहीं से देख लेना। अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी है, अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों जो दूसरा तरीका है आपको यहाँ पर रेफ़र करने का, आपको सिंपली से आपको अमेजन एप्लीकेशन को होम पेज पर आ जाना है और आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा थ्री लाइंस का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो फिर से एक नया इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा और आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कस्टमर सर्विस का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर से आपको एक नया इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, तो आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको टॉक टू अस का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दोबारा से यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं और आपको नीचे की साइड में अमेजन पे, UPI, EMI, गिफ्ट कार्ड, ETC का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से आपको एक नया इंटरफेस देखने के लिए मिलता है और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इनवाइट एंड अर्न कैशबैक का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको एक और नया इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, तो आपको कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके सामने एक कस्टमर केयर से लाइव कॉल रिकॉर्डिंग पर बात करने वाला हूँ और आपको पता चलेगा कि आपको जो अमेजन एप्लीकेशन में रेफर का जो ऑप्शन है क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा है, इसका जो रीज़न क्या है। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मैं डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करके यहां पर क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहां पर कस्टमर केयर से बात करते हैं। ओके, हाँ नमस्ते सर जी। सर जी, पूछना ये था कि अमेजन में पिछले 3-4 महीनों से रेफर का जो ऑप्शन है हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है सर जी, आप बता सकते हैं। जी सर, आपकी जो इशू हो रही सर मैं समझ पा रहा हूँ। ये सर आपको सर इसलिए सर देखने को सर नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज सर इसमें रीज़न ये सर कि आपका जो रेफर एंड अर्न का जो ऑप्शन है सर ये टेम्प्ररी के लिए सर ये जो सुविधा थी सर ये क्लोज कर दी गई है, जिसके कारण सर आपको सर शो नहीं हो रही सर। ये 2 महीने सर पहले से बंद हो गया और इसमें सर काम चल रहा है, अपडेट चल रहा है सर। जैसे सर ये न्यू फीचर्स जैसे ही आती है सर और सर फिर से आपको सर ऑप्शन दी जाएगी सर रेफर एंड अर्न के लिए। जी सर, जैसे कि मैंने पिछले 2 महीने पहले मैं एक बार फिर से कस्टमर केयर से बात करी थी सर जी, तो उस टाइम पर मुझसे बोला गया था कि लगभग 1 हफ्ते में आपको ये जो ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद लगभग आज से हफ्ता पहले मुझे ये ऑप्शन मिला था, लेकिन सर जी ये जो ऑप्शन था मैक्सिमम 1 डे रहा, उसके बाद फिर एक्सपायर हो गया, फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, फिर से देखने के लिए नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। जी सर, मैं समझ पा रहा सर, क्योंकि सर ये अभी अब तक अपडेट ही चल रही है, जब तक सर ये पूरी तरह से न्यू अपडेट नहीं आएंगे सर तब तक ये रेफर एंड अर्न का ऑप्शन सर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये 2 महीने पहले ही सर बंद हो गया।
तो सर जी फिर भी जैसे एक अनुमान तो बतला सकते हैं लगभग ये जो प्रॉब्लम है कब तक हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है, ये जो इशू है कब तक चलेगी, कुछ तो आइडिया होगा ना सर जी आपको? सर ये जो अपडेट आती है सर, ये अपडेट सर सबसे फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आपको ही प्रोवाइड की जाती है सर। एंड देन सर जैसे सर अपडेट आएगी सर मैं एक काम करता हूँ, मैं अपडेट सर यहाँ पे जो होती सर यहाँ पे टाइम लगता है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे आपकी कंसर्न को हाईलाइट आपकी प्रोफाइल को हाईलाइट कर देता हूँ। जी सर। ये जो आएगी सर और आने वाली होगी उससे सर आपको एक वीक पहले ही पता चल जाएगी, आपको थोड़ा टाइम पहले मतलब कुछ दिनों पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा सर इसके बारे में कि नोटिफाइड आपको कर दिया जाएगा कि न्यू फीचर आ चुकी है और आपको रिफंड भी करेगा। जी सर। ओके, तो जैसे न्यू अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और हाईलाइट कर देने के बाद आपको पहले नोटिफाइड भी कर दिया जाएगा। जी थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर लाइव कॉल रिकॉर्डिंग सुन ही लिया होगा कि आखिर ये जो प्रॉब्लम है क्यों आ रही है। दोस्तों दरअसल अभी अमेजन एप्लीकेशन में कुछ अपडेट चल रहे हैं, इसके लिए अमेजन में रेफर का जो ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बट जो अपडेट जो है यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाएगा इसका प्रोसेस तो सबको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अपनी पुरानी वाली लिंक मिल जाती है तो आप उसको रेफ़र करके यहाँ पर पैसे कमा सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, टाटा बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।